आपका अपना शहजाब अली न्यू वीडियो के साथ आपके सामने फिर से। आज मैं हूँ बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 7 पर। जैसे कि आपको दिख रहा है, इस यूनिवर्सिटी के 7 हॉस्टल हैं और इस हॉस्टल में ज़्यादातर बच्चे इंडियंस रहते हैं। इसको मिनी इंडियंस हॉस्टल बोला जाता है। तो चलते हैं आज इसके अंदर की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम्स कैसे रूम्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हॉस्टल वाले देते हैं। इसमें 3 टाइप के रूम हैं, मैं तीनों टाइप के रूम आपको दिखाऊँगा। चलिए, ये सिक्योरिटी के लिए गाइस। अभी क्रिसमस था, जैसे कि 25 दिसंबर को तो उसका सेलिब्रेशन हुआ था। सिक्योरिटी तो बढ़िया है। गाइस इसमें 2 बिल्डिंग है, इंडियन और रशियन। इंडियन बिल्डिंग में चलता है सब पहले। А вы видите все это время? Я уже четыре часа не вижу. Что ты на все здорово была? Вот и на вас лунди. То инженер бильдинг у нас лунди. А я आपको दिखा दें लूंगी। ये है लॉन्ड्री, इसमें टाइम लिखा हुआ है कब खुलती है, कब तुम कपड़े ला सकते हो और कब ले जा सकते हो, आप देख सकते हो अपने। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट के लिए। साइड लिफ्ट है, दोनों बिल्डिंगों में लिफ्ट है। 15 फ्लोर है। जिम भी है गाइस, है तो आराम से जिम भी कर सकते हो। गाइस ये जिम है, हॉस्टल का जिम है। एक फ्लोर पे 4 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक में 4 रूम होते हैं। तो जैसे एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक इसके पीछे है और 2 ब्लॉक इस साइड है और एक स्टडी रूम होता है। स्टडी रूम भी होता है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। कभी भी आपको यूक्रेन आना हो बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में और इसका हॉस्टल लेना हो, तो आपको इंडियन ब्लॉक में 11 फ्लोर से ऊपर लेना है रूम। ऊपर बढ़िया है, नीचे थोड़े कंडीशन कम है, वो भी मैं दिखा दूंगा कैसी कंडीशन है। आइए एक ब्लॉक के अंदर चलते हैं। तो ब्लॉक में एक तो रूम ये है और ऐसे 4 रूम है। ये तो टॉयलेट है, गर्ल्स बॉयज का अलग है और बाथरूम है और यहाँ वॉश बेसिन है। रूम देखिए और ये किचन है, किचन कंबाइन है 4 रूम के लिए। गाइस ये मेरा भाई है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स। और ये कांट किचन है और किचन में देखो मैं दिखाता हूँ, ये है फायर अलार्म। अगर कभी भी आग लग जाए तो इसको प्रेस कर दो, सिक्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। और ये है स्मोक डिटेक्टर, कोई भी स्मोक नहीं कर सकता। अगर किसी ने करा तो उसको सबसे पहले तो हॉस्टल से एक्सपेल कर देंगे और उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। और किचन यूज करने के बाद देखो हर लिख रहा होगा यहाँ, अगर तुम जैसे बर्तन धो रहे हो, देखो ये, देखो ये पोस्टर, देखो इसका बहुत आपको समझना है, इसको करना है मतलब की। और जैसे टेबल यूज करना है उसको क्लीन करना है बच्चों ने, मतलब ये फ्रिज है, क्लीन द टेबल आफ्टर यूज। और अगर नहीं करोगे ना तो देखो यहाँ फाइन का ये भी लगा है, अगर नहीं करोगे, ठीक है। ये है 2-सीटर रूम, अंदर का दिखाते हैं। रूम बहुत बढ़िया है ये, 13 फ्लोर पे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि करूँगी। हम लोग पूरा नक्शे ने बहुत अच्छे लगा रखा है। और ये है हीटर, सेंट्रल हीटिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, 24 घंटे ही ऑन रहता है। अगर कभी भी रूम में गर्मी लगे तो विंडो ओपन कर सकते हो, देख सकते हो रूम कितना बढ़िया है।
प्रिंटर भी रखा क्या हुआ, लैपटॉप भाई, स्टडी लाइट सब एक नंबर है भाई। अब चलते हैं 7th floor, 10th floor से नीचे। नीचे मैंने आपको बताया था कि 3 सीटर और 2 सीटर 4 सीटर रूम है, उनकी भी कंडीशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। गाइस ये है 7th floor, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 10th floor से ऊपर ऊपर रूम बढ़िया है और लॉन्ग बढ़िया है। ये है 7th floor, इसकी तुम कंडीशन देख सकते हो। अंदर से दिखाता हूँ मैं एक लॉन्ग की। सही नहीं है, मैं भाई सच्चाई बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। पूरी देखो, अभी पूरा दिखाता हूँ। अभी मैंने 13th floor दिखाया था आपको, कितना बढ़िया था वो। ये देखो ये टॉयलेट है, किसी का फ्लश चल रहा है, किसी का ऐसी है। और ये देखो ये है बाथरूम, बाथरूम एक नंबर का घटिया है भाई 7th floor का। आपको देख रही होगी कैसे, देखो भाई मैंने बोला अगर आओ ना तो 10th floor से ऊपर ऊपर रूम लेना, नीचे मत लेना। अब एक रूम की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। रूम है, मैंने जैसे कि आपको बताया कंडीशन अच्छी नहीं होगी, देख सकते हो। ये 4 सीटर रूम है पूरा, मतलब यार रहने लायक ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ा बेचारे बच्चे करते भी हैं फिर भी मतलब ही नहीं हो पाता। बट भाई 10th floor से ऊपर ऊपर एक नंबर के रूम है, तुमने देख लिए होंगे ब्लॉग से। तो भाई इसकी फीस भी मैं चलो तुम्हें बता देता हूँ, इसकी फीस है $70, ठीक है। और जो अभी मैं आया था, अभी मैंने तुम्हें दिखाया था पीछे, उसकी फीस है $90, ठीक है गाइज, ये भी ध्यान रखना। गाइस ये है रशियन बिल्डिंग, अब रशियन बिल्डिंग की ओर चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कौमिनदान का ऑफिस, जहाँ कौमिनदान और यूरा बैठते हैं। ये है लिफ्ट गाइस, घर जाते हैं जूम में तो पूरा सामान आपको सबमिट करना पड़ता है, सबमिट यहाँ करना पड़ता है। ये रूम, इस रूम में आपको आगे अपना सारा सामान सबमिट करना होगा और की दे के जानी होगी। अगर नहीं दे के जाओगे तो फाइन लगेगा, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। लोग शायद वो अपने काम पर। तो गाइज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करिएगा, जैसा कि आपको पता है। शेयर वेयर करना, कमेंट करना तुम्हारी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी अभी प्रॉब्लम है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे है, रबीउल और सदावली का, दोनों उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर। थैंक यू भाई।